जी हाँ, यहाँ पर स्ट्रीम टू वाले वो स्टूडेंट्स या फिर ऑन डिमांड वाले वो स्टूडेंट्स ये जरूर पूछ रहे हैं कि सर, हम लोगों का तो टीएमए होता नहीं है, तो हमको किस आधार पे प्रमोट किया जाएगा और क्या हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा अगर जून के और स्टूडेंट्स प्रमोट होते हैं। तो आज के मेरे इस वीडियो में स्ट्रीम टू वालों स्टूडेंट्स के लिए और ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ और बता रहा हूँ अपने एक्सप्लेनेशन में कि किस तरीके से आप प्रमोट होंगे, किस आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, मैं हूं एनओएस एक्सपर्ट। ये चैनल है वीसीआईसी गुरुजी, जिसको आपने इतने कम समय में इतना लोकप्रिय बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नया कोई भी आया हो इस वीडियो में तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि एनओएस की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, बड़ी से बड़ी जानकारी तुरंत आपको मिले और आपको किसी भी समस्या का समाधान ना करना पड़े। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रीम टू वाले स्टूडेंट्स के। स्ट्रीम टू के वो स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी बोर्ड में फेल हो जाते हैं दो या तीन सब्जेक्ट में और फिर अपना जो है एनआईएस बोर्ड में अपने कुछ सब्जेक्ट को ट्रांसफर कराकर, यानी कि टीओसी लेकर, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लेकर वो जो है यहाँ पर एनआईएस में एडमिशन लेते हैं और बाकी तीन सब्जेक्ट के उन्हें एग्जाम देने होते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपने दो सब्जेक्ट को टीओसी कराया हो और तीन सब्जेक्ट के लिए आपने जो है भरा हो और अब आपके तीन सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस भी आपने पेड कर दी है और अब आप इंतजार कर रहे हो कि प्रमोशन मिलेगा तो किस बेस पे मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका टीएमए नहीं होता है तो जो दो सब्जेक्ट आपने पास करे हैं, जो टीओसी आप करा रहे हैं, मान लीजिए एक में आपके 54 मार्क्स हैं और एक में आपके 66 मार्क्स हैं, तो 54 प्लस 66 दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा, यानी कि एवरेज निकाल दिया जाएगा और जो भी एवरेज मार्क्स आएगा वो आपको बाकी तीन सब्जेक्ट्स के दिए जाएंगे। यानी कि आपको जो औसतन मार्क्स मिलने हैं वो उन दोनों सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स होंगे जो ऑलरेडी आपने टीओसी कराया। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर मेरा तो एक ही सब्जेक्ट का टीओसी है तो फिर मेरे को किस आधार पे मिलेगा। तो आपको अगर आपने एक ही सब्जेक्ट का टीओसी लिया है तो आपको एक ही सब्जेक्ट, जो उस सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स है उसी के एवरेज बेसिस पे आपको अदर सब्जेक्ट में मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये चिंता करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपके टीएमए नहीं है तो आप प्रमोट नहीं होंगे। अगर प्रमोशन हुआ तो सभी स्टूडेंट्स का होगा। तो ये बात रही स्ट्रीम टू वाले स्टूडेंट्स की। ऑन डिमांड स्टूडेंट्स वालों की बात करता हूँ तो ये वो स्टूडेंट्स होने चाहिए जिन्होंने अपने एग्जाम बुक कराए थे, फीस पेड करी थी और डेट जो थी वो थी 19 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में। दोबारा सुन लीजिए, 19 अप्रैल से लेकर 31 मई के बीच में अगर आपने कोई भी ऑन डिमांड एग्जाम बुक कराया था और वो एग्जाम अब नहीं हो पा रहा है और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि जून वाले स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पे आप ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हमने तो, हो सकता है कि हमने टीओसी ना लिया हो या फिर जो है हमने, हमारा तो टीएमए भी नहीं है तो हमको किस आधार पे किया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं ऑन डिमांड स्टूडेंट्स वालों का ये देखा जाता है कि आप पिछले कितने सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास हैं, दो सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में, जिसमें भी आप पास हैं उनका एवरेज मार्क्स निकाला जाता है और वो एवरेज मार्क्स दे के आपको भी अदर सब्जेक्ट में पास किया जाता है। यानी कि आपके ऑन डिमांड वालों के मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पास सब्जेक्ट है, जो आपने पास कर लिए हैं उनके एवरेज निकालेंगे, चाहे दो हो, तीन हो या एक हो या इवन चार हो। तो ऐसे जो भी ऑन डिमांड स्टूडेंट्स हैं वो अपना एवरेज निकाल के देख सकते हैं कि हमारे कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं और क्या परसेंटेज हमारी बनने जा रही है। और आप लोगों को भी ये जरूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी एनआईएस वहां पे देगा कि अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो आने वाले किसी भी परीक्षा में बैठकर आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी स्ट्रीम टू वाले और ऑन डिमांड स्टूडेंट्स की। बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आपको पसंद हुई जानकारी तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बनिए हमारे परिवार का।